What's up, everybody? This is Amit, and you're watching my YouTube channel. Pencil, right? हम लोग सब पेंसिल शेडिंग करना बहुत पसंद करते हैं, बट यूनिक वे में नहीं, राइट? यूनिक वे इन द सेंस कि अगर आप लोग शेडिंग करते हो तो शेडिंग पे एक चीज आप लोगों ने ध्यान रखा होगा कि हैचिंग किस तरह से करते हैं. या दिस इज राइट, जो कि आज हम लोग अपना ड्रॉइंग में दिखाने वाले हैं, हैचिंग किस तरह से करते हैं. और मैं यहाँ पे विराट कोहली का ड्रॉइंग बनाने वाला हूँ. बट सो सॉरी गाइज कि मैंने यहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल एक ही बार में कवर नहीं किया है. रीजन इज कि मैं चाहता था कि आपको डिटेल्ड वे में दिखाऊं. अगर मैं पूरा वीडियो एक ही बार में शूट करता तो आपको वो क्वालिटी वो शायद नहीं मिल पाता, बिकॉज मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता. तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने बस इस वीडियो में मैंने आईज को सेटिंग करके बढ़िया से दिखाया है. हालांकि वो भी फास्ट फॉरवर्ड ही था, बट मैंने नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब डालूंगा तो उसको थोड़ा स्लो करके डालूंगा, ताकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है गाइस. एक्चुअली अगर आप एक रियलिस्टिक पेंसिल सेटिंग बनाते जाओ ना, बनाने की कोशिश करो ना, तो 8 से 10 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे इस तरह से लग जाता है. ये डिपेंड करता है कि आप कितना फिनिशिंग उसमें ऐड करना चाहते हो. बिकॉज आपने देखा होगा कि जो भी बिगिनर्स आर्टिस्ट है, वो लोग को पता होगा कि जब भी हम लोग हैचिंग करते हैं ना, तो हैचिंग में धीरे धीरे हमें वो मर्ज करना पड़ता है. वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, बट एनी वे टाइम टेकिंग है तो क्या हुआ, वर्क अच्छा होना चाहिए. सो आप देखो इस वीडियो को, फर्स्ट ट्यूटोरियल को. मैं सेकंड ट्यूटोरियल इसका जल्दी डाल दूंगा, एंड आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आएगा. कुछ भी क्वेरीज है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जरूर देखो. अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, मुझे आंसर देने में बहुत अच्छा लगता है. और कोई भी जो भी नया बिगिनर्स आर्टिस्ट है, मैं नया आर्टिस्ट बिगिनर्स आर्टिस्ट के लिए बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग नॉर्मल पेंसिल का भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल रेगुलर शीट का यूज कर सकते हो. बिकॉज एक बार आपका प्रैक्टिस बढ़िया सा हो जाए, फिर आप ब्रांडेड पेंसिल या फिर ब्रांडेड पेपर यूज कर सकते हो. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो. यहाँ पे मैं HB पेंसिल का यूज कर रहा हूँ आईज को सेट करने के लिए. आप चाहे तो पहले 2B का भी यूज कर सकते हो. ये डिपेंड करता है कि आप कितना डार्क एरिया को ऑप्ट कर सकते हो, बट मुझे लाइट एरिया से ज्यादा ज्यादा पसंद है. अगर मैं लाइट से स्टार्ट करूंगा तो मैं बाद में डार्क भी ऐड कर सकता हूँ, तो ये स्टेप वाइज भी होगा और यह ज्यादा बेटर होगा. अब धीरे धीरे एरियाज को ऑप्ट करते जाओ, धीरे 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 उसमें सेटिंग ऐड करते जाओ. HB पेंसिल से पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब मैं 2B पेंसिल से थोड़ा डार्क टोन ऐड करूंगा. आप जब भी पेंसिल का यूज करो तो जहां पर जिस तरह डार्क एरिया लाइट एरिया है, उसी तरह प्रेशर अप्लाई करो तो ज्यादा बेटर होगा. धीरे धीरे हमें प्रेशर अप्लाई करना है, धीरे धीरे टोन को समझना है, लाइट टोन डार्क टोन को समझना है, और उसी अकॉर्डिंग हमें प्रेशर अप्लाई करना है. आईब्रोज के लिए आप 2B से, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप पहले HB से भी कर सकते हो. आईब्रोज का ट्यूटोरियल भी मैं डाल दूंगा एक बना के. यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी दिखाया है, क्योंकि ये भी काफी लेंदी वीडियो हो जाता. अराउंड मुझे 1 घंटा लग गया इस दोनों आईज को कंप्लीट करने में. अब मैंने नोज का नीचे भी थोड़ा सा सेटिंग करके इसलिए आपको दिखाया है. HB 2B और 4B इसी पेंसिल का यूज करके मैंने, एंड 5B पेंसिल का यूज करके मैंने ज्यादा डार्क टोन का प्रेशर अप्लाई करके दिखाने की कोशिश किया है. जहां जहां डार्क एरियाज है वहां वहां डार्क अप्लाई कर रहा हूँ, जहां जहां लाइट एरियाज है वहां वहां लाइट अप्लाई कर रहा हूँ. अभी मैंने इरेजर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, वो मैं लास्ट में जब पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा तब ऐड करके आपको दिखा दूंगा. अभी जस्ट मुझे जो भी चीज जहां पर लग रहा है कि मुझे वाइट मुझे छोड़ना है, वहां पर मैं पेंसिल का यूज बहुत कम कर रहा हूँ, ताकि वो हाईलाइट लगे एंड आपको टोन का समझ जाए कि कौन सा डार्क टोन है कौन सा लाइट टोन है. इसी तरह हमें बाकी में भी सेटिंग अप्लाई करना है. जहां जहां डार्कर एरिया है वहां वहां डार्क पेंसिल का यूज कीजिए, जहां लाइट एरिया है वहां वहां
हल्के प्रेशर अप्लाई कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे मैंने बी पेंसिल का यूज़ किया है, बट आप चाहे तो 2B का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह लेयर बाय लेयर आपको शेडिंग ऐड करना है। बस आपको इसी तरह से एरियाज ऑप्ट करते जाना है। बेयर्ड एंड मुस्टैचिक इस तरह से ड्रॉ करना है, मैं वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको दिखा दूंगा। एंड आईब्रोज के लिए मैंने पहले यहाँ पे बी पेंसिल का यूज़ किया है और उसी तरह फिर से उसको शेडिंग किया है। तो बस आपको ये ड्राइंग पूरी तरह से इसी तरह से शेडिंग करना है एंड इसी तरह से लेयर बाय लेयर ऐड करके आपको ये ड्राइंग कंप्लीट करना है। आई होप गाइज वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। वेल आईज का ट्यूटोरियल सॉरी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड था, बस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल उतना स्पीड नहीं डालूंगा, उतना फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू सपोर्ट, बिकॉज मेरे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है। आई जस्ट स्टार्टेड माई चैनल यू नो लाइक दिस टू पुट वीडियोज इन सच ए वे, सो प्लीज़ हेल्प मी। मुझे आप लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आपको अगर सही में ये कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि सही में ये इस पे टैलेंट है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट, आई एम ग्लैड। अगर मुझे अगर आप लोगों को लगता है कि आप सही में मुझसे कुछ सीख पाते हो, तो प्लीज़ मैसेज करो मुझे, मुझे आंसर देने में खुशी होगी।
So please like press the like button, press the subscribe button and share my videos and do subscribe to my channel.